है खास हर अंदाज। आज तुम हमारे और किशन के रिश्ते के बीच में आई हो ना, तो अब हम अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक, समझी? चलो आओ गोली और कर दो अपना बदला पूरा। क्या सोच रही हो? दुश्मन, दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ी है, बंदूक उसके माथे पे, चलाओ गोली। साक्षी बहू, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अपने कमरे में चल। ये जो तुम्हारी बचकानी हरकतें, उनसे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता साक्षी सिंह। दुनिया में हर चीज बदलती है, दिल भी। अब देखते हैं कि आपके दिल पर लिखा अग्नि का नाम बदलता है या फिर आपके और हमारे रिश्ते का नाम। शादी के बाद ससुराल में पहला रसोई बनाने का रस्म होता है जो दुल्हन पूरा करती है। हम चाहते हैं कि ये रस्म तुम पूरा करो। हम? तुम्हारी दादी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम रसोई की रस्म निभाओ। अच्छा हो छोटी तुम आ गई। भंडारी की चाबी साक्षी को दे दो। नई बहू है इसलिए आज दोपहर का खाना ये बनाएगी। रसोई की रस्म जो करनी, बहुत ही स्पेशल 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 सरप्राइज जस्ट फॉर साक्षी। और ये सरप्राइज है डिवोर्स पेपर्स। शादी के साथ फेरों के साथ साथ सात कस्में भी ली जाती हैं। अब इन दोनों को शादी के सात वचनों का भी पालन करना होगा और जो ये कर पाएगा वो ही किशन की बीवी होगी। अग्नि की मूर्ति है और ये साक्षी की मूर्ति है और जैसे जैसे दोनों लड़कियों में से सात वचन निभाएंगी वैसे वैसे इस पे चुनरी चढ़ाई जाएगी और आखिर में जिस पे ज्यादा चुनरी होंगी वही इस घर की बहू बनेगी और वही जीतेगी। तैयार हो इम्तिहान देने के लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है दादी। जिस दिन तुम ये इम्तिहान हारोगी उस दिन आखिरी पल होगा तुम्हारे इस घर में। बहुत मजा आएगा तुम्हारी आंखों के सामने अग्नि को हराने में। मिस्टर वासु ने पूरे स्टाफ के सामने आज से कुछ साल पहले मुझे डांटा था, मुझे बेइज्जत किया था, इसलिए मैंने और मेहनत की, इनका विश्वास जीता और एक एक करके इनके घर के हर एक पेपर के ऊपर इनके साइन लेता गया। सेल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाई और आज ये घर मेरा है। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। किशन तो तुम्हारा दोस्त है ना, फिर दोस्ती के नाम पे धोखा देने में शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें काम करो, तुम अपनी आंखों के साथ साथ अपना मुंह भी बंद करो। सीए का बच्चा यहाँ आ ही नहीं पाएगा, बहुत अच्छा इंतजाम किया उसका। क्या? तो पहली बोली 4 करोड़ से शुरू होगी। 4 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख दो 10 करोड़। वाह बल्ले बल्ले, आपने तो साइन कर दिया, मजा आ गया। वाह, मेरे को पेपर में एक शर्त पे चाहिए। वो शर्त ये है, मुझे पेपर वासु जी की माँ के हाथों से चाहिए। रूप रानी ठाकुर, ये तो मेरा नाम है। इसका मतलब? मतलब ये दादी कि ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। ये घर हमने ही खरीदवाया है, वो भी हमारी दादी के नाम पे। मैं ये नहीं करूंगा, it's too dangerous. बेटा ये नकली चक्कू है। दोनों लड़कियों को तुम्हारी सुरक्षा करनी है और यही है दूसरे वचन की प्रतियोगिता। दूसरा वचन? मेरी सुरक्षा? क्या है, देख के नहीं चल सकती क्या? एकदम डिट्टो सेम टू सेम है भैया जी। तो लाओ दिखाओ ना फिर। किसी के शरीर में ऐसे घुसेगा जैसे मक्खन में घुस रहा। एक बार में शिकार की रामलीला खत्म। अब चाकू किसके पास है? अरे हमारे पास है, शाम को जब जाएंगे जाने से पहले दे जाएंगे। साक्षी एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो वो सिर्फ अग्नि की वजह से है। सपने देखने में और उन्हें पूरा करने में फर्क होता है। आप हमें इस कमरे से बाहर नहीं निकाल पाए, अपनी जिंदगी से खाक निकाल पाएंगे? आज की शाम ना तो रहेंगे भैया और ना रहोगे तुम। ये चाकू ना संभाल के वासु को दे देना। आज हम हासिल करके रहेंगे, ये दोनों दोनों
रास्ते से हटेंगे, हटेंगे। अरे संजय, तू किसको रास्ते से हटा रहे? वो ये टेबल पड़ा था ना रास्ते में, इसको हटा रहे थे हम। कैसे आना हुआ यहाँ आपको? वासु का है? बड़े भैया को ढूंढने आए थे हम, यहाँ है ही नहीं, वो शायद नीचे गए होंगे। चल ठीक है। अरे हाँ सुन, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, वो सीता की बहू ना मायके से आई है उसे मिलने, और ये चाकू ना संभाल के वासु को दे देना, ठीक है? हाँ हाँ चलती हूँ। दोनों हूबहू एक जैसे। हरि, संजय भाई साहब आप यहाँ? हाँ, भैया को देखने आए थे हम, है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आपके पास ही आने वाली थी। अच्छा हाँ, आप जरा वो दो कार्स है ना उनके पेट्रोल देख लीजिए ना प्लीज, क्योंकि जीजी की जो व्हील चेयर है ना वो सिर्फ व्हाइट कार में आएगी, तो आप प्लीज जरा चेक कर लीजिए। ठीक है छोटी भाभी, हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भाभी थोड़ा ना सर में दर्द हो रहा है। तुम दोनों मिलके जीजी के लिए उनकी पसंद का केक बनाओ। ये बहुत अच्छा आइडिया। हम केक बनाएंगे, हम और किशन जी मिलकर आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा केक बनाए। एक बार किशन और अग्नि को एक कमरे में बंद करते हैं, और फिर बाद में किशन और साक्षी को बंद करते हैं। अब देखते हैं किसके साथ कमरे में रहने के बाद किशन के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बेहुदा बात करते हुए? और हमने अपने किशन को ऐसे संस्कार नहीं दिए, तुम अपने बेटे समीर को ऐसी परवरिश जरूर दे सकती हो। असुर राज कंस के चले आ रहे अत्याचारों से पार पाने हेतु सौम्या रूपी लक्ष्मी धारण करती हैं पाताल निवासिनी का प्रचंड रूप। परम अवतार की शक्ति, अब देख भगवान कंस की शक्ति। तुमने हमें पाताल बुलाया ना, तो देख ये पाताल निवासिनी कैसे तुम्हें पाताल में विलन करती है। दीदी आगे सुन। दीदी उठो, दीदी आगे खोलो, दीदी दीदी दीदी। इस हालत में आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्या मतलब? आप मां बनने वाली हैं। तुम्हारी अम्मा को हमने मौत के मुंह से वापस खींच के लाया है, अपने वचन को याद रखना। हमका अपना वचन याद है पापा, बालक होते ही उनका हम आपको समर्पित कर देंगे पापा, ये हमारा वचन है। इतनी रात को ऐसे शराब पी के कोई शरीफ घर की लड़की ऐसे सड़कों पे? इस घर में कौन नहीं पीता, ये छोटी तो पूरी बोतल लटक जाती है। माँ तो देसी पीती थी, पीने के बाद ही तो इसने ऐसा कांड किया कि इसकी दूसरी शादी हो गई। बस पंडित जी शू लागे छे? अभी दादाजी भी हाजर छे ने बा बापूजी भी हाजर छे, मने पण काई आपत्ति नथी छे, करो कंकुना। आज मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे आत्मकथा सुनाऊंगा। आज तू जानेगा बेताल कौन है, भद्रकाल कौन है। नहीं 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 बेताल, तुम विक्रम को कोई कथा नहीं सुना सकते। भद्रकाल, तुमने मुझसे छल किया है। बेताल